देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। कुछ लोग घरों में बैठकर काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों के पास घर पर कोई काम नहीं है। लोग घरों से निकल नहीं सकते, इसके लिए अपने परिजनों से बातचीत करने के लिए इंटरनेट और फोन दोनों का ही इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में प्रीपेड यूजर्स को फोन रिचार्ज करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्रीपेड यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी को बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ट्राई ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखकर कहा सभी प्रीपेड यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाए। ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशंस को जरूरी सर्विस मानते हुए इसे लॉकडाउन से अलग रखा है। ट्राई ने कंपनियों से पूछा कि आखिर उनकी तरफ से लॉकडाउन के दौरान यूजर्स को बिना किसी रुकावट के सर्विस जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से ट्राई के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है और न ही किसी कंपनी की तरफ से वैलिडिटी बढ़ाने के निर्देश पर अमल किया गया है। ट्राई ने प्रीपेड सर्विस के लिए रिचार्ज वाउचर और भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को भी कहा है। लॉकडाउन की वजह से टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की तरफ से कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रभावित हो रही है। ऐसे में जो यूजर्स अपने प्रीपेड बैलेंस को टॉप अप करना चाहते हैं या ऑफलाइन चैनलों का इस्तेमाल करके प्रीपेड टैरिफ के लिए सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना चाहते हैं, उनको रिचार्ज करने में दिक्कत आ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए ट्राई ने यह फैसला लिया है। अब देखना होगा कि टेलीकॉम कंपनियां इस पर कितना अमल करती हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।